नमस्कार, वेलकम टू एकता होम फूड्स। सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम सूप पीना किसको पसंद नहीं आता, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं अपने लिए आज टमाटो सूप बनाने जा रही हूँ। तो इन सब के लिए हमको टमाटो सूप बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ये 4 टमाटर हैं, मीडियम साइज, अच्छे लाल, बहुत कच्चे नहीं लेने, आपको अच्छे होने चाहिए, पके होने चाहिए, अच्छे लाल रंग के टमाटर होने चाहिए। ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, ये कॉर्नफ्लोर है, यही वाला चम्मच, मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, चीनी है 1 चम्मच, थोड़े से गार्लिक हैं छिले हुए, थोड़ा धनिया है, और ये पानी है। ये कुकर मैंने लिया है, मिक्सी ली है, और ये छन्नी है जिसमें हम सूप को छानेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, पहले हमने टमाटर कट कर लेने हैं और लहसुन छील के रखने हैं। ठीक है, पहले मैं टमाटर काट लेती हूँ। ये टमाटर मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया रफली, और ये गार्लिक है जिनको कि हम अब प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये हमने प्रेशर कुकर में टमाटर डाल दिए हैं, साथ ही में इसमें हम लहसुन डाल देंगे, और साथ ही में जो आप चाय पीते हैं जिस कप से, उतना पानी आप इसमें डाल दीजिए। नॉर्मल कप, जो मीडियम कप होता है चाय पीने का, मैं अंदाजन से बता रही हूँ क्योंकि घर में बनाते हैं, तो इतना मेजरमेंट के कप से नहीं मैं बता रही हूँ आपको, नॉर्मल चाय के कप से आप इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, और फिर इसको हम बंद करके गैस पे हम इसको चढ़ा देंगे। ये हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया, और इसको हम 3-4 सीटी आने देंगे, और फिर जब प्रेशर निकल जाएगा तब तक के लिए वेट करेंगे। अच्छा, अब सूप जब तक हो रहा है, सीटी लगेगी सूप में, टमाटर गलेंगे, तो तब तक कुछ साथ में खाने के लिए भी हमको चाहिए होगा। खाली सूप के साथ अब रोटी सब्जी तो हम खाएंगे नहीं, तो हमने क्या सोचा है कि मैं थोड़ा ब्रेड बनाती हूँ। ये सीटी आ रही है कुकर में, आने दीजिए इसको, फिर मैं आपको बोलती हूँ। 1, 2, यस, ये देर लगा रहा है। एनीवेज, आप देखिए, इसमें मैंने 2 ब्रेड पीस लिया है, ऑरिगेनो लिया है, थोड़ा घी लिया है मैंने, आज बटर नहीं है मेरे पास, तो काम चलाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा घी ले लिया, थोड़ा ये लहसुन लिया है मैंने कुछ तोरिया, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट तो हमारे पास है ही है, और ये एक ग्रेटर लिया जिसमें मैं कि लहसुन अभी ग्रेट कर लेती हूँ। ये जो लहसुन है ये मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको मैं थोड़े से टुकड़े रह गए, कोई बात नहीं, इसको हम घी में डाल देंगे। अगर आप बटर यूज़ कर रहे तो आप बटर में डालिए। ये थोड़ा ऑरिगेनो है, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी घी में, थोड़ा सा 3-4 स्प्रिंकल जस्ट फॉर फ्लेवर, एंड थोड़ी सी मैं इसमें पेपर भी डाल दूंगी। पेपर, गार्लिक, ऑरिगेनो और बटर या घी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये घी है इसमें अब सॉल्ट नहीं होगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देती हूँ अकॉर्डिंगली जितना हमको, और इसको हम कर देंगे मिक्स। और फिर इसको हमने लगाना है ब्रेड के ऊपर, तब तक ये सूप की तैयारी हो रही है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको मैं बता देती हूँ कि ये भी हम कुछ साथ में बना देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा इवनली हमको स्प्रेड करना है दोनों ब्रेड के ऊपर, तब तक ये पैन जो है मैं गर्म करने रख देती हूँ इसके ऊपर। ये इस तरीके से मैंने ब्रेड के ऊपर दोनों स्प्रेड कर दिया है, घी और लहसुन और काली मिर्च और थोड़ा ऑरिगेनो, और ये थोड़ा सा घी हम पहले इसके ऊपर डालेंगे, और ये जो ब्रेड है उसको इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड भी इसी तरह रखेंगे इसके ऊपर। अगर हमारे पास चीज़ होता तो हम इसको गार्लिक ब्रेड बना सकते थे, पर अभी मेरे पास नहीं है, तो जो कुछ है उसमें से ही मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ बनाने के लिए। घर में कई बार होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें अवेलेबल हो, फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग खाना तो बनता है, इसी बार इसकी सूची बची है। तो ये एक और सीटी इसको मैं आने देती हूँ, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए, हालांकि 1 सीटी में गल जाते हैं, तो भी 1 सीटी और मैं इसको दे देती हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी। तो ये जो है ये ब्रेड तब तक हमारी इस तरफ रेडी हो जाएगी, तो साथ ही साथ दोनों चीज़ें जो हैं गरम गरम रेडी हो जाएगा हमारे पास सामान। और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा कुछ हाफ फ्राई भी बना लूँ उसके साथ, तो वो भी इसी टाइम में मैं थोड़ा सा बना लूँगी। जैसे ही मेरी ब्रेड हो जाएगी तभी मैं इसमें एक बार सूप का थोड़ा प्रोसेस करके फिर मैं हाफ फ्राई भी बना लूँगी। इसी में ये ब्रेड हमारी सूख गई है, देखिए, ये भी एक तरीके से गार्लिक ब्रेड इसको आप कह सकते हैं, गार्लिक है पर चीज नहीं, चीज लेस गार्लिक ब्रेड, इट्स फाइन, यू कैन मेक इट।
ये सीख गई है हमारी ब्रेड, इसके बाद हम अंडा बना के ही रख लेते हैं। और एक और चीज थी, इसको मैं दोनों बंद कर देती हूँ ताकि ये ब्रेड जो है इसमें थोड़ा क्रिस्प हो जाए और थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी जब ये क्रिस्प हो जाती है। आ गई है और मैंने कुकर की गैस बंद कर दी है और हम वेट करेंगे जब तक कि वो थोड़ा सीटी निकल जाए और टमाटर थोड़ा सा ठंडे हो जाए। चलो अगर आपको जल्दी है तो आप पैन में रखिए, पका कर ठंडे हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे। अभी ये ब्रेड जो हमारी बनके तैयार होगी, इसको हम क्या करेंगे, कैंची से, किचन के लिए हम कैंची रखते हैं हमेशा, और उससे हम इसको ट्राइंगल शेप में काट लेंगे। इस तरीके से ट्राइंगल शेप में हमने इसको काट लिया और प्लेट में रख लिया। आप बोलेंगे ट्राइंगल शेप में क्यों भाई, इट्स जस्ट फॉर फन। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब तक अभी तक ये टमाटर ठंडे नहीं हुए हैं, तो इसका प्रेशर भी नहीं निकला है, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, ये एग्स मैंने दो निकाल के रखे हैं, इसमें फोड़ के रखे हैं बोल में। अब मैं पैन गरम कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ यही गार्लिक वाला घी, पहले तो बटर डाली, ये तो घी डाली। और ये जो एग्स हैं ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह बिना फोड़े, और हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी सी हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे पेपर पाउडर। अगर आपके पास पेपर पाउडर नहीं है तो आप उसको धनिया का साबुत काली मिर्ची उसको थोड़ा सा क्रश करके यूज करिए। ये हो गया पेपर पाउडर। कभी कभी अगर आप काम करें तो उसके ऊपर कलर के लिए थोड़ा सा हम डाल सकते हैं धनिया, और कुछ सेकंड के लिए इसको हम ढक देंगे, तब तक क्योंकि ऊपर भी येलो वाला पार्ट पक जाएगा। ये एग जो है ये हुआ है इनका काम, इसको हम कर देंगे बंद। और साथ ही में हमारे टमाटर का भी काम हो गया है, टमाटर बॉयल हो गए हैं, इसको मैं निकाल दूंगी, थोड़ा फोल कर देती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए इसमें। और ये जो है ये चलिए सीधा ही छोड़ देते हैं इसको, और इसको हम निकाल लेंगे ये हमारी प्लेट पर जिसमें हमने रखी थी ब्रेड। और ये हो गए हमारे एग्स भी रेडी। ओके, तो अभी हम जाते हैं टमाटर की तरफ। ये टमाटर हमारे गल गए हैं, अभी हमने इसको मिक्सी में डालना है, ये थोड़े से फैन में ठंडे कर लेने हैं, और फिर उसके बाद ये छन्नी की मदद से, जो जैसे हम पूड़ी छानते हैं उसकी मदद से, हम इसका सिर्फ ऊपर का जो है टमाटर लेंगे, बस इसको थोड़ा देर ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद डालते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी है कि अगर आपको छन्नी से नहीं करना, तो जिस पैन में आपने बनाना है उसमें एक छन्नी लीजिए और उसके ऊपर रख के, और ये पूरे टमाटर इसमें खाली कर दीजिए, और उसके बाद ये जो नीचे पानी बच जाएगा, क्योंकि इसी पैन में हमको अभी बनाना है सूप, तो ये पानी इसमें रहने दीजिए। और ये जो है छन्नी में जो टमाटर रखते हैं, टमाटर और इसमें है हमारे पास गार्लिक, ये जो है हम इसमें मिक्सी में इसको डाल दें और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। ये गार्लिक और टमाटर एक साथ पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ये जो पानी हमने रखा था इसके ऊपर जो बचा हुआ था, वो हम ऑन कर देंगे गैस इसको, और ये जो मिक्सी वाला है सारा बैटर वो हम इसी में पूरा का पूरा शिफ्ट कर देंगे। इसी मिक्सी में थोड़ा सा और एक कप पानी और, वही चाय वाला कप, सेम कप पानी और लेकर हम इसमें ये भी डाल देंगे। ये करीबन 4 मीडियम टमाटर हैं, जिसमें कि 2 बोल सूप अच्छे से बन जाएगा, कुछ भी बोलती हूँ, 2 कप सूप अच्छे से आप बन जाएगा इसमें। 2 चाय के बड़े वाले कप, मतलब बहुत बड़े भी नहीं, इतना हम चाय पीते हैं, हम लोग सर्दियों में कितनी चाय पीते हैं, उतने 2 पानी बता रही हूँ मैं आपको। तो ये इसमें ये बॉयल होने के लिए रख दिया, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चीनी हमने ली थी ये चीनी डाल देंगे हम, करीबन 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, करीबन 1/2 टीस्पून, वो हम टेस्ट कर लेंगे, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप बाद में और डाल सकते हैं इसमें। और इसको आने देते हैं एक बॉइल, जब तक इसमें बॉइल आएगा। अच्छा, ये ना मैंने छाना नहीं है अभी, लेकिन मुझे छानना चाहिए था, तो अब अगर मैं भूल गई हूँ मान लीजिए छानना, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं इसको छान लेती हूँ। मैं बातों में भूल गई कि जब मिक्सी से मैंने इसको बनाने, मिक्सी से बोल में शिफ्ट किया जब कुकिंग वाले बर्तन में, तो मुझे इसको छन्नी में छानना चाहिए था और मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब मैं इसको अभी भी छान सकती हूँ, तो मैं इसको अभी छान लेती हूँ।
ये मैंने वापस दूसरे बर्तन में खाली किया और ये छन्नी में डाला और ये छान लिया। इतनी भी बातें नहीं करनी चाहिए कि काम भूल जाओ। तो ये हमने इसको छान लिया और ये इसका जो बचेगा ये हम निकाल देंगे। इसको भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप आटे में डाल सकते हो, भून सकते हो या थोड़ी सी चटनी भी बना सकते हो अगर हम ज़्यादा कंजूस टाइप बिहेव करें तो। ठीक है, ये हो गया, ये हम निकाल देंगे। तो ये हो गया अभी प्रॉपर टाइप। अब इसको बॉईल होने देते हैं। बॉईल होने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल करके। तो जब तक इसको बॉईल हो रहा है तब तक मैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा घोल लेती हूँ। ये जो कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स करके रखते हैं। जैसे इसमें थोड़ा बॉईल आने लग जाएगा सूप में तो हम इसमें इसके बाद थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपको नहीं डालना तो भी कोई बात नहीं, मत डालिए। बिना कॉर्नफ्लोर के भी थोड़ा गाढ़ा नहीं लगता, पर ठीक है। अगर हेल्थ का इश्यूज़ हैं, नहीं आपको कॉर्नफ्लोर या ऐसा कुछ चीज़ आर्टिफिशियल नहीं खानी तो मत खाइए। आप खाली टमेटो का ही बना दिया तो ये मत डालिए इसमें कॉर्नफ्लोर। पर मैं थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है, कई लोग पसंद करते भी हैं, तो मैं थोड़ा इसमें डाल दूँगी। ये बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए गाढ़ा हो जाएगा हल्का सा। और इसमें हम ये धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा धनिया भी ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आप मत डालिए। और पेपर और सॉल्ट डाला हमने इसमें, वही उसका तीखापन आएगा पेपर का। सॉल्ट आ गया, थोड़ी चीनी डाल दी है, थोड़ी कॉर्नफ्लोर डाल दिया। तो ये कॉर्नफ्लोर भी पक जाना चाहिए, थोड़ा कच्चा कच्चा नहीं आना चाहिए। तो वही तो पूरा धुआं धुआं हो गया। ये मैंने थोड़ी मलाई ली है, घर की मलाई है। अगर आपके पास क्रीम है दूसरी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम जो है इसमें हम लोग उसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे सूप के ऊपर से डालने के लिए। कईयों को बटर पसंद होता है तो आप बटर डाल सकते हैं, और मुझे क्रीम पसंद है तो जिसको भी जो पसंद है ऊपर से जब आप बोल में डालेंगे तब आप ये डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सूप रेडी हो गया है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। देखिए अच्छा सा सूप रेडी हो गया है, इसको हम बोल में शिफ्ट करते हैं। ये इस तरीके से मैंने बोल में शिफ्ट कर दिया है। और ये जो थोड़ी सी क्रीम हमने ली थी वो हम ऊपर से डाल देंगे इसके, इसे देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये सूप हमारा बनके रेडी है। और ये हमारी ब्रेड गार्लिक और जो मैंने घी से बनाई है और एग्स हैं और ये सूप है, ये बहुत टेस्टी लगेगा। अब मैं इसको खाऊंगी, अब आप बनाएंगे तो आप खुद भी खाएंगे इसको। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये फटाफट क्विक रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।